नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को आज के दिन एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि भाई कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद भी क्या प्रोजेक्टर हम लोग को Alibaba.com से सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कस्टम ड्यूटी कहीं भी इंक्लूड नहीं दिखता है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप मंगाते हो Alibaba.com से या चाइना से, तो आपको 20% कस्टम ड्यूटी प्लस 10% बॉर्डर क्रॉस करने के देने पड़ते हैं। तो दोस्तों वो होता है टोटल कस्टम ड्यूटी। दोस्तों चलिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि 5000 के नीचे वाले प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटीज नहीं लगती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 5000 क्रॉस करते हो या 10 kg से एक्स्ट्रा वेट जैसे ही आप ऊपर जाओगे, वहाँ पर आपसे कस्टम ड्यूटीज चार्ज होने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी देते हैं। H96 Max K1 प्रोजेक्टर जो कि दोस्तों Alibaba.com पे किस रेट पे मिलता है, कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद इसकी रेट क्या हो सकते हैं, वही प्रोडक्ट हम लोग को Flipkart पे किस रेट पे मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों पूरी सच्चाई खोलते हैं और आपको वीडियो में दिखाते हैं। हम लोग को दिखाते हैं कि भाई H96 Max K1 प्रोजेक्टर जो कि Alibaba.com पे हम लोग को मिल रहा है 8000 कुछ रुपए में। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं। ये देखिए 8457 वेरीफाइड हैं ये भी। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग इसको खोलते हैं 8457 रुपए, ये टोटल कॉस्ट नहीं है, ये आप लोग को पहले ही बता दूं। स्टार्ट ऑर्डर पे करते हैं तो दोस्तों इसमें देखिए 1397 रुपए पहले से ऐड हो चुका है शिपिंग फीस भी। और दोस्तों एक प्रोजेक्ट ऑर्डर करने पे दोस्तों 9854 रुपए इसकी कीमत हो चुकी है। दोस्तों ये भी अभी पूरी पेमेंट नहीं है, इसको स्टार्ट ऑर्डर कर देते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो दोस्तों स्टार्ट ऑर्डर करने के बाद इसमें देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग फीस भी दी है 294.66। तो दोस्तों 10149 रुपये .46 हो चुका है। तो इसको सीधे 10150 मान लीजिए। अब 10150 पे 30% आप कस्टम ड्यूटीज़ लगा लीजिए, क्योंकि 20% इलेक्ट्रॉनिक सामान पे लगता है और 10% बॉर्डर क्रॉस करने का लगता है। तो दोस्तों टोटल लग गया आपका 30% का मतलब हो गया है दोस्तों 3045 रुपये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। और ये दोस्तों 3045 का मतलब कि ये सीधे सीधे आपका हो गया लगभग 13200 रुपये के करीब, 13195 रुपये हो गया। लेकिन दोस्तों आप 13200 मान लीजिए, आप 13500 मान लीजिए, 13500 का ये H96 Max K1 प्रोजेक्टर मिलता है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आप लोग एक चीज़ से कन्फ्यूज़ हो कि क्या यहाँ पर हम लोग को वारंटी या गारंटी मिलती है, तो दोस्तों आप लोग को सीधे मैं ले चलता हूँ कि एट्रीब्यूट में और आपको दिखा देता हूँ कि भाई देखिए वारंटी 1 ईयर की मिलती है। लेकिन दोस्तों आप जब भी इसको वारंटी के लिए भेजोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा वहीं पर। दोस्तों अब यही प्रोजेक्टर हम लोग देख लेते हैं Flipkart पे हम लोग को किस रेट में मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए सीधे डायरेक्ट Flipkart पे मैंने खोल रखा है पहले से ही, देखिए आप लोग को Flipkart दिखा देता हूँ। Flipkart पे जब हम लोग दोस्तों क्लिक करते हैं तो भाई 18999 का यही प्रोजेक्टर मिलता है। यहाँ पर इसका नाम डेकिन है दोस्तों, डाकिन है। और यहाँ पर जैसे हम लोग दोस्तों इसके की फीचर्स खोलते हैं तो देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा, K1 रिचार्जेबल स्मार्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है। तो दोस्तों ये चीज़ सेम टू सेम वही चीज़ है यहाँ पर बेचा जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसकी कीमत जो है 18899 रुपये है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने भी 1 ईयर की वारंटी गारंटी दे रखी है और इसके लिए हम लोग को इन्हीं के पास भेजना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आप खुद ही सोच सकते हैं 18899 रुपये मतलब डायरेक्ट आपसे 4500 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है। कस्टम ड्यूटीज आप पे करने के बाद भी कम ही पे कर रहे हो उनको। तो आप कहाँ से ऑर्डर करना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग ने देखा कि भाई H96 Max K1 प्रोजेक्टर Flipkart पे आ चुका है जो कि 18899 का है। सब कुछ अच्छा है दोस्तों, आपको अगर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, आपको हफ्ते भर के अंदर ये प्रोजेक्टर चाहिए तो आप Flipkart से ऑर्डर कर सकते हो। अगर ये प्रोजेक्टर पे आप थोड़ा टाइम देना चाहते हो कि आपको भाई 3500 से 4000 रुपये बचाने हैं तो आप Alibaba.com से ऑर्डर कर सकते हो। आपको बता दूं दोनों जगहों पे 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर Flipkart से ऑर्डर करने पे आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है अगर प्रोजेक्टर में कोई ख़राबी आती है। वैसे दोस्तों 50,000 घंटे की लैंप लाइफ है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई ऐसी कोई ख़राबी नहीं आती है किसी को भी, क्योंकि दोस्तों मेरा भी जो Alibaba.com से भी प्रोजेक्टर मंगाया हुआ है या जो कि मैंने Flipkart से भी प्रोजेक्टर मंगाया हुआ, उन दोनों में अभी तक ऐसी कोई ख़राबी नहीं आई है। एक प्रोजेक्टर के आए हुए लगभग 1-1.5-2 महीने हो चुके हैं जिसको मैं बराबर यूज करता हूं। और वहीं पर दोस्तों हम अपना अब यूज करते हैं चाइना से भी मंगाया हुआ, Alibaba.com से मंगाया हुआ भी सेम वही प्रोजेक्टर है, बट दोनों के नाम चेंज है। एक सॉफ्ट इजी हो जाता है, एक हो जाता है डायरेक्ट HY300 प्रोजेक्टर। लेकिन दोस्तों अब ये H96 जो कि बेहतरीन प्रोजेक्टर है, आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।